दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में जनवरी माह से यानी कि जनवरी 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वे सारे के सारे पूरे माह के प्रश्नों को इस वीडियो में एकत्रित किया गया है। ये वीडियो आपके किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफ्सपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से कितने लोगों को चुना है? तो 4 लोगों को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार किस देश में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने देश भारत में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में DRDO की 5 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, किस फिल्म को 92 ऑस्कर अवार्ड के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा द लास्ट कलर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर होगा पलाऊ। पलाऊ देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायत के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? ये होगा इसका नाम संतुष्ट। संतुष्ट नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है श्रम मंत्रालय के कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, RBI ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे? इसका आंसर होगा मनी। मनी नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है RBI ने जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग करेंसी का मूल्य समझ पाएंगे कि ये कौन सी करेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसले को मंजूरी दे दिया है? तो अरुण जेटली। बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री, तो यहाँ पे होगा आंसर अरुण जेटली, जो कि 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले को मंजूरी दे दिया है बिहार सरकार, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? करेक्ट आंसर होगा 65 वर्ष तक। अगला है, किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन शुरू किया है, ये आप ध्यान रखेंगे, दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे संगीत क्रांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? S. सौम्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा राजस्थान सरकार। तो ये सारे प्रश्न है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं 14वां प्रश्न, भारतीय अंडर 19 टीम के साथ विश्व कप खेल चुके मनजोत कारला को उम्र धोखाधड़ी के मामले में रणजी ट्रॉफी खेलने से कितने साल के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1 साल के लिए इसे रणजी खेलने से निलंबित किया गया है। तो अब इसे ध्यान रखेंगे, 1 साल के लिए इस पर बैन लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने अंतर्राष्ट्रीय भारत्तोलन महासंघ द्वारा जारी ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग सूची में किस स्थान पर बरकरार रखा है? किस स्थान को बरकरार रखा है? तो ये रखा है 8वें स्थान को बरकरार, यानी कि ये 8वें स्थान पर है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, NTPC एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर रखा है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने हाल ही में
घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा सुनीता लाकड़ा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को हाल ही में कितने वर्ष का कार्य विस्तार कर दिया गया है? तो 1 वर्ष और इसका कार्यकाल को बढ़ाया गया है। तो सही आंसर होगा 1 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया? तो भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है। सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पे लगभग 150 से अधिक, तकरीबन 200 प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो 20वां प्रश्न है, भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाएं हेतु कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 139, 139। नेक्स्ट प्रश्न, चीन, रूस और किस देश ने हाल ही में अपनी नौसेनाओं के मध्य विनिमय एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो ये क्या है, चीन, रूस और ईरान ने अपने नौसैनिक के मध्य विनिमय और सहयोग को बढ़ावा देने हेतु नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था, ये तीनों देश ने। नेक्स्ट प्रश्न, वह फिल्म जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ये फिल्म है 1917, 1917, ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सा खिलाड़ी है जो 1 ओवर में 6 छक्का मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बना है? तो इसका आंसर होगा लियो कार्टर। ये 1 ओवर में 6 छक्का मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बन गया है, लियो कार्टर। नेक्स्ट प्रश्न, किस दिन प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ऑलराउंडर ने 4 जनवरी 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? करेक्ट आंसर इरफान पठान। अगला प्रश्न, किस ईरानी जनरल को हाल ही में अमेरिका द्वारा ड्रोन से मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया? करेक्ट आंसर होगा जनरल कासिम सुलेमानी। तो अमेरिका द्वारा ड्रोन से मिसाइल हमले के लिए से निशाना बनाया गया था, करेक्ट आंसर होगा जनरल कासिम सुलेमानी। अगला प्रश्न, सावित्री बाई फूले की 189वीं जयंती किस दिन मनाई गई? तो ये 3 जनवरी को मनाया गया सावित्री बाई फूले की 189वीं जयंती। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर रामानुजम। इसका करेक्ट आंसर होगा आर रामानुजम को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न, अमारो सिस्सोको हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति। उमारो सिस्सोको गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की? तो मिशन इंद्रधनुष 2.0 का शुरुआत किया गया है देश में। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? तो ये प्रजाति का नाम है कोआला। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही न्यूज में देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगा था, तो उसी से रिगार्डिंग ये प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया? इसका आंसर होगा कोआला। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कर्नाटक में की जाएगी, कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर। अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता? तो इसका आंसर होगा पी मंगेश चंदन, पी मंगेश चंद्रन, आंसर है पी मंगेश चंद्रन। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों के लिए 5,908 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 7 राज्यों के लिए 5,908 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो सौरभ चौधरी ने 10 मीटर के एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, उसे ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा 10 मीटर। अगला प्रश्न, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी का नोएडा कैलाश अस्पताल में हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे कर्नाटक राज्य के राज्यपाल, अभी इसका हाल ही में नोएडा कैलाश अस्पताल में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बाद घोषणा की है कि वो 2015 के परमाणु समझौते के तहत लागू की गई पाबंदियों का पालन अब नहीं करेगा? ये देश है ईरान, करेक्ट आंसर होगा ईरान।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राष्ट्र बन गया है? तो देश का पहला राष्ट्र बना है महाराष्ट्र, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए 39वां प्रश्न। तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अन्ना द्रमुक के किस वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है P.H. पांड्यन। P.H. पांड्यन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अन्ना दमरुक के एक वरिष्ठ नेता थे, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न। किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है भागलपुर, बिहार में। करेक्ट आंसर होगा भागलपुर। अगला प्रश्न। भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है इस्माइल कानी को। आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा इस्माइल कानी। ड्रोन हमले में यह मारा गया था जनरल कासिम सुलेमानी, जिसे कि अमेरिका द्वारा यह ड्रोन हमला किया गया था, तो आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। निर्भया मामले में कितने आरोपियों को कोर्ट द्वारा 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के डेथ वारंट जारी किया है? हालांकि ये डेट बढ़ चुका है अभी, तो यहाँ पर ये प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ। ये डेट 2-3 बार चेंज हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। तो पहली बार जो ये मुकर्रर किया गया था डेट, वो किया गया था 22 जनवरी 2020 का, तो अभी ये डेट बढ़ चुका है, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। हालांकि अभी मुझे फिलहाल पता नहीं है कि ये डेट कब है, कि कब इन लोगों को फांसी दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न। किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया? तो कर्मयोद्धा ग्रंथ नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक है, इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है। किस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया, जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए? ये विमान का नाम था बोइंग 373-800, विमान क्रैश हो गया जिसमें सवार सभी लोग मारे गए, तो ये ईरान में। किस देश में? तो ये ईरान में ये दुर्घटना हुआ था, जिसमें विमान में सभी लोग जो भी बैठे हुए थे सभी लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न। हाल ही में रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में 234 करोड़ रुपए की लागत से शहीद अशफाकुल्ला खां के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न। 5वें एशिया प्रशांत ड्रेसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह किया गया है 5वें एशिया प्रशांत ड्रेसोफिला का सम्मेलन किया गया है पुणे में, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा पुणे। नेक्स्ट प्रश्न। ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया? तो ईरान ने भी अमेरिका के सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है। अगला प्रश्न। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक ने किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना किस शहर में करने की घोषणा की? तो ये की है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो की है गुजरात में। अगला प्रश्न। ईरान ने हाल ही में किस देश में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है? तो ये क्या है इराक में। ईरान ने हमला किया है इराक में। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ईरान ने हाल ही में किस देश में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है? तो ये क्या है इराक में। इराक में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उस पर ईरान ने हमला किया है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है। पाकिस्तान की संसद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को कितने वर्ष का सेवा विस्तार देने हेतु बिल पारित किया है? तो ये क्या है 3 वर्ष हेतु, 3 वर्ष का इसका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, तो सही आंसर है 3 वर्ष। अगला प्रश्न 54वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर बांग्लादेश दक्षिण कोरिया और मोरक्को समेत कितने देश में राजनयिक हाल ही में 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर श्रीनगर पहुंचे? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा 16। तो प्रश्न है, भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर बांग्लादेश दक्षिण कोरिया और मोरक्को समेत 16 देशों का यात्रा करते हुए अभी हाल ही में 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं,
आप इसे ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा 16। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने पूर्वोत्तर राज्यों का प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए हिंदुस्तान गैस ग्रिड लिमिटेड को 5,059 करोड़ रुपये का पूंजीगत अनुदान मंजूर किया है? तो ये क्या है, पूर्वोत्तर 8 राज्यों में। तो आंसर होगा इसका 8। पूर्वोत्तर 8 राज्यों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को 5,059 करोड़ रुपये पूंजीगत अनुदान मंजूर किया है केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस लेखिका को हाल ही में यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जसविंदर बिलान, इसका करेक्ट आंसर होगा जसविंदर बिलान को, जो कि भारतीय मूल के भी लेखिका है, उसे यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जसविंदर बिलान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नासा के उपग्रह TESS ने हाल ही में पृथ्वी के आकार के किस ग्रह की खोज की जिस पर जीवन की संभावनाएं भी जताई गई है? इसका आंसर होगा TOI 700D। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान देंगे, TOI 700D इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी की गई 20 People to Watch in 2020 सूची में किस भारतीय को जगह नहीं मिली है? ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है, इसमें नरेंद्र मोदी को जगह नहीं मिला है और इस सूची में कन्हैया कुमार को जगह मिला है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये 20 लोगों की इस सूची में कन्हैया कुमार को जगह मिला है लेकिन नरेंद्र मोदी को इस सूची में जगह नहीं मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के महिला भारत्तोलक सरबजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में हुए एक नए अध्ययन में पूर्वी भारत और किस देश के क्षेत्र में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा का जलस्तर इस सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो बांग्लादेश, इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। हाल ही में हुए एक नए अध्ययन में पूर्वी भारत और किस देश, तो पूर्वी भारत और बांग्लादेश में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा का जलस्तर इस सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक बढ़ने का अंदाजा लगाया गया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों में इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल करने और सभी पाबंदियों को कितने दिन में समीक्षा करने का आदेश दिया है? तो ये आदेश दिया था 7 दिन का, तो आपसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम वर ने शिकागो के लिए किसे जज के पद पर नियुक्त किया है तथा वे भारत के गोरखपुर से संबंध रखती है? भारत के गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इसका करेक्ट आंसर होगा शामिया नसीम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शामिया नसीम इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम वर ने शिकागो के लिए शामिया नसीम को जज पद पर नियुक्त किया गया है और ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर की रहने वाली है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोडी योजना शुरुआत की है? तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार ने, आपसे ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्र ग्रहण किस दिन दिखाई दिया? तो ये आंसर होगा 10 जनवरी को, 2020 का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को दिखाई दिया। अगला प्रश्न, हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक सबास मिट्ठू के निर्देशक कौन है? तो इसका निर्देशक हैं राहुल ढोलकिया। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिताली राज पर बनने वाले बायोपिक का नाम क्या है? तो ये बायोपिक का नाम है सबास मिट्ठू और इसके निर्देशक हैं राहुल ढोलकिया, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी कौन भारतीय शहर करेगा? तो मिलन की मेजबानी करेगा विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो आपसे ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामले में कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य के बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया है? तो 7 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामले में 7 वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य के बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने का आदेश दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में
द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की छठी बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप, ये ऐप का नाम आपको याद रखना है, रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार ने, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रूनॉन ट्रूनॉट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है? तो यह है भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु भारत देश के स्वदेशी उपकरण ट्रूनॉट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है। करेक्ट आंसर होगा भारत। तो यहां पे अगला प्रश्न है, 73वां प्रश्न, भारत और किस देश ने बांग्लादेश के, ये प्रश्न में थोड़ी सी गलती हुई है तो इस प्रश्न को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में थोड़ी सी टाइपिंग में दिक्कत गलती हुई है, तो चलिए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका ने भी चीन के साथ पहले चरण में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। करेक्ट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों की घोषणा किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया? तो रूस। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों की घोषणा किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर होगा रूस। नेक्स्ट प्रश्न, ई कॉमर्स कंपनी द्वारा भी हाल ही में घोषणा की गई है कि वह भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योग के डिजिटलीकरण के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगी? तो ये होगा इसका आंसर, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने यह घोषणा किया है और अमेजन के संस्थापक है जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा सक्षम, सक्षम नाम से एक अभियान आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न, सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? तो इसका नाम है कैप्टन तान्या सैरगिल, जो सेना दिवस 2020 के अवसर पर ये पुरुष दस्ते का नेतृत्व की थी। इसका आंसर है कैप्टन तान्या सैरगिल, आपसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में सर्वाधिक बाजियों में अजेय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन सर्वाधिक पारियों में अजेय रहने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न, हाल ही में BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट का घोषणा किया, इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कुल कितने खिलाड़ियों का नाम शामिल है? तो इसमें 27 खिलाड़ियों का नाम शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन, ये आप याद रखेंगे, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और जापान के बीच ये किया जा रहा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? तो अभी तिब्बत ने अपने देश में जातीय एकता विधेयक को पारित किया है। करेक्ट आंसर होगा तिब्बत। ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसका PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस PDF का कीमत केवल ₹11 रखा गया है, जो आपसे एकदम कम से कम अमाउंट लिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये चुना गया है मिखाइल वी मिसुस्तिन। अगला प्रश्न है, 85वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप के 91वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा K9 बज्र, इसका सही आंसर होगा, ये सेना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, किस जनजातीय समुदाय के लोगों के शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए गृह मंत्री द्वारा हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रू रियांग। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को 84वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उत्पन्न तनाव को मद्देनजर तेहरान में आयोजित होर्मुज पीस इनिशिएटिव में भारत द्वारा भागीदारी दर्ज की गई? इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच उत्पन्न तनाव के मद्देनजर
तेहरान में आयोजित हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव में भारत द्वारा भागीदारी भी दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न, इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित किया है? तो जी सेट 30, इसका करेक्ट आंसर होगा जी सेट 30 को भी हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने 1965 और किस साल की लड़ाई में हिस्सा ले चुके बुजुर्ग सेनानिवृत्त सेना कर्मियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह विशेष पेंशन देने का प्रस्ताव किया है? तो 1965 और 1971 में जो लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया था वे सभी के लिए है, उसको विशेष पेंशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार किस राज्य का शहर मल्लपुरम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में से एक है? तो मल्लपुरम केरल का एक शहर है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मिहिर शाह इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया? गिरीश कुमार, गिरीश कुमार दोबारा भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है, एक बार फिर इसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन के कितने अजूबों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 8वें अजूबों में शामिल, तो आप इसे ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। किसे हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? माइकल देवव्रत पात्रा को, माइकल देवव्रत पात्रा को अभी हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए दुर्लभ रोग नीति मसौदे के अनुसार सरकार दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु तो जरूरतमंद लोगों को कितने रुपये की सहायता राशि देगी? तो ये 15 लाख, तो ये 15 लाख रुपये का सहायता राशि देने का निर्णय किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो ये चुना गया है बेन स्टॉक को, आईसीसी द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर क्रिकेटर बेन स्टॉक को चुना गया, तो ध्यान देंगे इसका आंसर होगा बेन स्टॉक। चलिए अगला प्रश्न, 99वां नंबर प्रश्न, किसे हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चयनित किया गया है? एपी महेश्वरी इसका करेक्ट आंसर होगा, एपी महेश्वरी को सीआरपीएफ का महानिदेशक चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस दिन कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई? तो कैफी आजमी की 101वीं जयंती 14 जनवरी 2020 को मनाया गया, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा की है? ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर होगा कीमिया अलीजादे, ये ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक विजेता है जिन्होंने अभी हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा किया है, कीमिया अलीजादे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ध्यान देंगे कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। अगला प्रश्न, किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पॉली उमरीगर अवार्ड से। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोगों को कितनी तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लेने के लिए कहा गया है? तो भारत में वैसे लोग जिसके पास ड्रोन है वे सभी लोगों से अपील किया गया है कि वे लोग 31 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ड्रोन का, अन्यथा उस पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 105 नंबर प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया? आंसर होगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न, लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह का दोषी मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया? तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से संबंधित है, परवेज मुशर्रफ को देशद्रोही मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत को लाहौर हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, तो सही आंसर होगा परवेज मुशर्रफ। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस
देश ने सुल्तान कबूस बिन सैद का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये है ओमान के रहने वाले, ध्यान दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ओमान। ये ओमान के रहने वाले थे कबूस बिन सैद, जिसका कि 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न, किस देश ने घोषणा किया है कि उसके द्वारा गलती से और अनजाने से एक यूक्रेनी बोइंग 373-800 विमान को निशाना बनाया गया। यह है ईरान, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र के बाद अब किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक समारोह में कितने बच्चे को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में एक समारोह में 49 बच्चे को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर होगा 49, यानी कि 49। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम के तहत सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है, पाकिस्तान। गजनवी मिसाइल पाकिस्तान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एरोकैपलिप्स रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय शहर को वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है? इसका करेक्ट आंसर होगा 231। 231 शहर में एरोपोकेलिप्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के 231 शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है। आपसे ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा 231। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये कोरोना वायरस वायरस इसका नाम है। आपसे ध्यान देंगे, कोरोना वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये वायरस काफी खतरनाक बताया जा रहा है, इससे अभी तक चीन में लगभग 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है? करेक्ट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अभी म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि बर्थ टूरिज्म के नाम पर दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं पर रोक लगाने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है? करेक्ट आंसर होगा असम में। असम में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया। करेक्ट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया में इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के किस देश ने हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? दक्षिण भारत के शहर गुयाना को अभी हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता का कार्यभार दिया गया है। इसका आंसर होगा गुयाना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है? तो ये किया गया है ऑक्सफैम द्वारा। ऑक्सफैम द्वारा गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में मच्छरों में पाए गए नए वायरस को यादा यादा वायरस नाम दिया है? ये काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस भी अभी हाल ही में काफी चर्चे में है और ये प्रश्न भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए नए वायरस को यादा यादा वायरस का नाम दिया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, और अगर चीन से संबंधित होगा तो होगा कोरोना वायरस, जो कि काफी खतरनाक वायरस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 72वें स्थान पर।
और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 84वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत को 51वां स्थान मिला है। सही आंसर है 51। अगला प्रश्न, किस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ किया है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ किया है। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उपवर्गीकरण की जांच हेतु गठित आयोग के कार्यकाल को कितना समय बढ़ा देने की मंजूरी दी है? तो 6 माह इसका कार्यकाल को बढ़ाने का मंजूरी दिया है। इसका ध्यान देंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा 6 माह। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है? करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, 131 नंबर प्रश्न है, किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत 2019 में FDI के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है? इसका आंसर होगा अंक टॉट, UNCTAD। इसका करेक्ट आंसर होगा अंक टॉट। अगला है, भारतीय बाल कल्याण परिषद के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 के लिए 12 राज्यों में से कुल कितने बच्चे को चुना गया है? तो ये भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा 12 राज्यों से कुल 22 बच्चे को चुना गया है। करेक्ट आंसर होगा 22। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मूल के शूटर हैं दिव्यांश सिंह, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ASICS में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा किस पैरालंपियन को शामिल किया गया है? तो ये होगा दीपा मलिक। योगेश्वर दत्त और दीपा मलिक को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश जारी किया है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। और मैंने कुछ देर पहले बताया था कि महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश, जहाँ के स्कूलों में प्रतिदिन प्रस्तावना का पाठ करना आदेश माना गया है, यानी कि आदेश जारी किया गया है। अगला है, 136 नंबर प्रश्न, किस राज्य के नगर पालिका चुनाव में फेस रिकग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय शहर JAL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर है? तो भारत का शहर हैदराबाद जो कि भारतीय शहर है और वो JLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, 138 नंबर प्रश्न, विधि मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को भारत का व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया है? आंसर होगा UAE। UAE को भारत का व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया है विधि मंत्रालय ने। करेक्ट आंसर है UAE, यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। अगला प्रश्न है, 139 नंबर प्रश्न, किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिक्कों की गणना एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी? इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा JP नड्डा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दक्षिण भारत में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला, किसे इस मिसाइल से लैस किया गया है? तो इसका आंसर होगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला है, किसे इस मिसाइल से लैस किया गया है? तो है इसका आंसर ब्रह्मोस। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, चैनल पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, प्ले लिस्ट में भी वो वीडियो को मैंने अरेंज कर दिया है। BPSC पेपर 1 पेपर 2 जो BPSC मुख्य परीक्षा संबंधित हमारा सीरीज चल रहा है, उस प्ले लिस्ट में ये
प्रश्न आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश के बारे में, जहाँ पे मैंने डिटेल बताया है कि ये तीन राजधानियाँ क्यों चाहता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तथा इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे के सारे वहाँ पे कवर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है? करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार ओडिशा के चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है। करेक्ट आंसर है ओडिशा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु राज्य के प्रमुख स्थलों पर दिव्यांगों को दुकान के लिए स्टॉल उपलब्ध कराएगी? तो यह है इसका आंसर उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? तो ये केपी शर्मा ओली हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। अगला है, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जेयर बोल्सनारो इस वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु प्रसिद्ध हिंदी संगीत निदेशक कुलदीप सिंह को चुना गया है? तो ये चुना गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु हिंदी संगीत निदेशक कुलदीप सिंह को चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 76वां स्थान भारत को। नेक्स्ट प्रश्न, IMF ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.1% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो IMF ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GDP वृद्धि दर को घटाकर कर दिया है 4.8%, 6.1% से घटाकर 4.8% किया है। अगला प्रश्न, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक ने असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए कितनी करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर होगा 630 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दिया है। करेक्ट आंसर होगा 630 करोड़ रुपये। विश्व बैंक ने असम अंतर्देशीय जल परियोजना को 630 करोड़ रुपए के लिए ऋण को मंजूरी दे दिया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु योजना बना रही है? तो यह है राजस्थान सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होंचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं ओलेक्सी होंचारुक, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है, भारत ने। भारत ने K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण किया। सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में बापू नाडकर्णी का मुंबई में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो बापू नाडकर्णी क्रिकेट से जुड़े हुए थे। सही आंसर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न, भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया है अर्जुन मुंडा को। इसका आंसर होगा अर्जुन मुंडा, जिसे कि भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? तो है नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को भारतीय सेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? किरण मजुमदार शॉ को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 150 से अधिक प्रश्न, 159 प्रश्न शामिल था, जो कि सभी प्रश्न जनवरी माह के करेंट अफेयर से संबंधित थे।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आपको बता दूं कि आप इसका PDF जरूर डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप PDF को परचेज कर सकते हैं। इसका मूल्य केवल 11 रुपया रखा गया है। तो इस PDF को आप जरूर परचेज करें। आप चाहें तो पेटीएम का भी सहारा ले सकते हैं या गूगल पे, किसी के जरिए भी आप 11 रुपया पे करके, आप चाहें तो बैंक अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। आप 11 रुपया पे करके उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कि जनवरी माह के सभी करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।